जो होंडा कंपनी है ना, तो हाल के दिनों में अभी कुछ ऐसा ही न्यू इन्फॉर्मेशन आया है कि उनके तरफ से अभी एक न्यू बाइक आने वाला है फ्यूचर में इसे इंडियन मार्केट के अंदर। और ये जो बाइक है ये कोई 200-300 वाला सीसी के अंदर नहीं आने वाला है, मतलब कि ये जो बाइक है ये एक मोस्ट एफोर्डेबल वाला बाइक होने वाला है, जो कि 110 से लेके 100 सीसी के अंदर होने वाला है। और इसी बाइक के बारे में भी कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन भी आया है जो कि आगे बताने वाला हूँ आपको इसी वीडियो के अंदर। और इसके अलावा भाई इस वाले बाइक का जो पेटेंट है ना, तो वो भी अभी सामने आ चुका है। जैसे कि देख ही सकते होंगे कि ये जो बाइक है ये देखने में किस तरीके का होगा, तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो हाल ही के समय पर अभी एक न्यू इन्फॉर्मेशन हाथ लगा है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, तो ये है होंडा कंपनी के ही एक न्यू अपकमिंग उनका एक बाइक के बारे में। और अभी के डेट में तो कुछ ऐसा ही बोला जा रहा है कि ये जो इनका न्यू बाइक जो अभी आने वाला है ना, तो ये मोस्ट एफोर्डेबल वाला कैटेगरी के अंदर होने वाला है। मतलब कि ये जो न्यू बाइक उनका आने वाला है ना, तो इसके अंदर हमें जो इंजन देखने को मिलेगा, तो वो अभी के डेट में कुछ ऐसा ही बोला जा रहा है कि 100 से लेके 110 सीसी के आसपास की जगह पर एक न्यू इंजन देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा कुछ पावर तो प्रोड्यूस नहीं करेगा। मतलब कि इसी इंजन के अंदर हमें जो पावर देखने को मिल सकता है, मतलब जो मैक्सिमम बीएचपी जो देखने को मिल सकता है, तो वो है 7 BHP से लेके 9 BHP के अंदर, मतलब यही कुछ अभी बोला जा रहा है। और इसके ही साथ साथ अभी कुछ ऐसा भी बोला जा रहा है कि ये जो बाइक है ना, तो इसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है 4th स्पीड गियर बॉक्स वाला सिस्टम। और उसके ही साथ साथ इसी न्यू बाइक के भी अंदर आपको जो मीटर कंसोल देखने को मिलेगा ना, तो वो भी है पूरे तरीके से एनालॉग वाला, जिसके अंदर हमें मतलब बहुत सारा कुछ फीचर्स तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जितना देखने को मिल जाएगा तो वो काफी ज्यादा ही मतलब बढ़िया होने वाला है, मतलब प्राइसिंग के हिसाब से। और बाकी तो इसी मोस्ट अफोर्डेबल वाले बाइक के अंदर आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम जो देखने को मिलने वाले हैं, तो उसके अंदर आपको ड्रम ब्रेक्स ही देखने को मिलेंगे, मतलब इस बाइक के सामने के चक्के पर भी और पीछे के चक्के पर भी। लेकिन अभी कुछ ऐसा भी बोला जा रहा है कि ये जो कॉम्बी ब्रेकिंग वाला जो सिस्टम है ना, तो इसके भी जैसा कुछ एक देखने को मिल सकता है, मतलब यही अभी कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और बाकी तो अभी कुछ ऐसा भी बोला जा रहा है कि ये जो मोस्ट अफोर्डेबल वाला कैटेगरी के अंदर जो ये इनका मतलब होंडा कंपनी का जो न्यू बाइक अभी आने वाला है ना, तो इसका जो इंडिया वाला एक्सट्रीम प्राइस जो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो वो है 60,000 से लेके 75,000 के आसपास के जगह पर। और इसके अलावा इसी बाइक के अंदर हमें जो सस्पेंशन सेटअप जो देखने को मिलने वाला है ना, तो वो है सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे जो वो कॉइल वाला हाइड्रोलिक शॉक्स है, तो वो वाला ही कुछ। और इसके अलावा इसी बाइक के अंदर हमें जो ये लाइट्स का सेटअप जो देखने को मिलेगा, तो वो है हैलोजन और बल्ब के अंदर। लेकिन अभी ऐसा भी एक चांस है कि अगर होंडा कंपनी चाहता है तो वो अपने इसी न्यू मोस्ट अफोर्डेबल वाले बाइक की जो हेड वाला पार्ट है ना, तो उसके अंदर एक एलईडी लाइट्स का भी कुछ ना कुछ सेटअप कर सकता है। और इसके अलावा दोस्तों इसी न्यू कम्यूटर वाले बाइक के बारे में कहा कुछ अभी ऐसा ही जा रहा है कि इसी न्यू वाले बाइक के अंदर आपको जो इंजन देखने को मिलेगा ना, तो उसके अंदर फ्लेक्स फ्यूल टैंक वाला जो सिस्टम है, तो वो कुछ काम में लिया जाएगा। मतलब कि ये वाले बाइक के अंदर आपको जो इंजन देखने को मिलेगा ना, तो उसके अंदर आप लोग इथेनॉल का जो मात्रा है तो वो ज्यादा मात्रा में यूज कर पाओगे। और बाकी तो भाई ये जो इथेनॉल के वजह से ये जो खर्चा है ना फ्यूल का, तो वो थोड़ा सा सस्ते में हो जाएगा आपका। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइज़।